खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदलाव। कौन है तू? प्रलय। आप लोगों की एक कीमती चीज में लेके जा रहा हूं। अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े दो साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है। मैं नॉर्थ कवर करता था, बीच संभाल। तो क्यों लीड करेगा? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? दिस इज ऑल स्पोर्ट। अली अब्बास जफर, कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। हाँ ओके। ईद रिलीज यौम العيد। हमारी रेजिमेंट का नाम है लायंस। टू मच ज़हमा। Okay. हम बहुत पुराने दोस्त हैं। एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। Okay. ये ट्रेलर बड़े मियां छोटे मियां, जब से मैंने इस फिल्म का पोस्टर देखा है तब से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी चीज़ देखूंगा जहां पर मेरा दिल नहीं उस पर भाएगा। पहले तो हमने 1998 में जब बड़े मियां छोटे मियां देखी थी अमिताभ बच्चन गोविंदा की, डेविड धवन के डायरेक्शन में, वो टाइटल से पता चलता है कि एक कॉमेडी फिल्म है और वो कॉमेडी फिल्म थी और बहुत ही उम्दा फिल्म थी। अभी तक हमारे जहन में है। अभी उसका जब दूसरा भाग बन रहा है, दूसरा भाग नहीं यानी ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है इस फिल्म से, इस टाइटल से पैसे लाना चाहती है, तो इस टाइटल को इस्तेमाल करके ये फिल्म बनी है। फिल्म का टाइटल बड़े में या छोटे में है, लेकिन इसमें वो बात नहीं दिख रही है जैसे वो फिल्म की है कॉमेडी। इसमें एक्शन है, भरपूर एक्शन है, ये तो ट्रेलर के अंदर भी दिख रहा है मुझे। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा, जो पोस्टर में देख रहा था मैं, पोस्टर जिसे कि सारा स्टूडियो में लिया गया है और जितने भी बैकग्राउंड है वो सब ग्राफिक्स है या फिर CGI है, वही बात इस फिल्म के अंदर या ट्रेलर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। ट्रेलर मुझे फिल्म से फिल्म कम, वीडियो गेम ज़्यादा दिख रही है। मुझे पता है बहुत पैसे इसमें लगे हैं, इस CGI में, इस ग्राफिक्स में, इस डिज़ाइन में, इस वर्ल्ड को बनाने के लिए, इस जगह को बनाने के लिए। लेकिन हमको अगर देखना है फिल्म तो उस नज़रिया से देखना है जो सिनेमा है। इसमें सिनेमा कम,
वीडियो गेम ज़्यादा दिख रहा है, इसमें इमोशन कम, खेल खिलाड़ी का जो खेलना है वो ज़्यादा दिख रहा है मुझे, जैसे कि वीडियो गेम अभी तक मैं वही बात छेड़ रहा हूँ आपके साथ, बहुत ही कम डायलॉग्स और डायलॉग्स में उतना मज़ा भी नहीं है, और जो चेहरे पे जो अक्षय कुमार या टाइगर श्रॉफ पे वो दिखना है, दिखाना चाहिए हमें कि एक्टिंग वाइज या ऐसा लगना चाहिए कि वो लोग एक्टिंग सही करें, लेकिन वो रोबोट की तरह दिख रहे हैं, शायद रोबोट का रोल है पता नहीं मुझे। बस ये खामियां बहुत ज़्यादा है इस ट्रेलर के अंदर, खामियां इतनी ज़्यादा है कि फिल्म में वो उबाल नहीं आ रहा है, उस फिल्म के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है मुझे कि मैं ईद में जाके ये फिल्म देखूं सिनेमा घर में और मुझे इसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। कभी कभार ट्रेलर फिल्म के अगेंस्ट रहता है, नेगेटिव रहता है, फिर फिल्म अच्छी रहती है, ऐसा भी होता है। मुझे लग रहा नहीं 80% या 75% की ये फिल्म ट्रेलर से भी अच्छी रहेंगी, ऐसा कुछ अंदर से कुछ ऐसी बात आ रही है, लेकिन दिल से तमन्ना है कि फिल्म अच्छी रहे ताकि ईद के अंदर हम एक अच्छी फिल्म देखें। दूसरी बात यह है कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार इतने लगातार फ्लॉप्स देने के बाद उनको तो बहुत ही ज़रूरत है एक अच्छी फिल्म की और एक कामयाब फिल्म की। अच्छा प्रमोशन करे लोगों ने, दोनों ने मिलकर बहुत ही बड़ा प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन अगर फिल्म पे ज़्यादा ध्यान देते, फिल्म के स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते और फिल्म के डायरेक्टर पे, अली जफ़र, अली अब्बास जफ़र एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो जिनके पास दो अच्छी फिल्में हैं, सुल्तान और टाइगर जिंदा है, वो यशराज की कंपनी की फिल्म है, लेकिन आपने भारत देखी, बहुत ही पता नहीं डाउन, और एक फिल्म भी आई थी उनकी जियो जियो में शाहिद कपूर की, वो भी बहुत ही ख़राब फिल्म थी, और एक वेब सीरीज़ है उन्होंने बनाई थी टांडव बोल के सैफ अली खान का, जो प्राइम अमेज़ॉन में है, एक ऐसी वेब सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं टॉप 10 ऑफ द वर्स्ट ऑफ वाहियात, टॉप 10 वेब सीरीज़ फ्रॉम इंडिया आज रिसेंट टाइम में, ऐसी बकवास वेब सीरीज़ थी उनकी, तो उनके डायरेक्शन में क्या बनेंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर उनका यही कमाल है ट्रेलर दिखाने का कि उसमें पृथ्वीराज जो विलन के रोल में है उनका चेहरा नहीं दिखाना, तो ये कमाल तो उनका बेमिसाल है, बेमिसाल, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा डाउन। दूसरी बात, पृथ्वीराज जो शुरू में उनका चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन जो जैकेट पहने हुए हैं मुझे वो चीटा की याद दिला दी, जो कातलों के कातिल में थे, धर्मेंद्र की फिल्म थी ऋषि कपूर के साथ, वही ड्रेस ऐसा दिख रहा कि अली अब्बास जफ़र को वो यादें आ गया शायद फिर से, यहाँ पे उनका चेहरा नहीं दिख रहा, वहाँ पे चेहरा दिखता था विलन का। एनीवेज फिल्म के हीरोइन जितने भी दो हैं मेरे ख्याल से कुछ दिखाई नहीं दिया उनके ट्रेलर के अंदर, और फिल्म के जितने भी गाने हैं जो मैंने सुने हैं इससे पहले एक भी गाना मुझे पसंद नहीं आया, पता नहीं शायद लोग जो आजकल के ज़माने के लोग जो रील्स बहुत देखते हैं या फिर हर बार टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियोस देखते रहते हैं तो शायद ये गाना हर बार सुनते हैं तो ये गाना दिमाग में छप जाएगा, बाद में शायद उनको गुनगुनाना पड़ेगा, जैसे कि एडिक्ट हो जाएंगे ड्रग्स की तरह, ऐसे कुछ गाने रहते हैं, गाने में कोई भी गाना ऐसा मज़ेदार नहीं है। ट्रेलर में जान नहीं है लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि फिल्म अच्छी रहे, ईद के दिन ज़रूरी एक अच्छी फिल्म होना चाहिए। यह था मेरा रिव्यू रिएक्शन, चाहे कुछ भी कहिए आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेल के ऊपर, आपको ये ट्रेल कैसा लगा मुझे होनेस्टली बताइएगा कमेंट में, मैं पढ़ूंगा और आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगली बार, प्लीज़ ये नया चैनल है हामिद रियामी हिंदी, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा सब लोगों को ताकि ये मेरा वीडियोस उनको हमेशा मिलते जाए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली बार। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।